हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने प्रथम कोटि के रेखीय अवकल समीकरण का हल देखा था, अगर हमारे पास कोई भी अवकल समीकरण इस रूप में लिखा गया हो, ध्यान दीजिए इस रूप में लिखा गया हो। अभी हमने जो रेखीय फॉर्म पढ़ाया था आपको, रेखीय फॉर्म में आपने ये सीखा था dx(y) + py = q। यहाँ पे आपको मालूम है कि ये जो p और q है ये x के फलन है और ये जो ये y है ये क्या है, y। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि अगर y के स्थान पर यहाँ y ना होकर कोई y का फलन हो, साथ ही यहाँ पर क्या हो, इस y के फलन का अवकल गुणांक विद्यमान हो। कहने का मतलब है कि मैं बात करूंगा कि ये y का फलन है और इसी का अवकलन यहाँ पे अगर विद्यमान होगा तो ये हमारे पास जो ये रेखीय रूप होगा, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब इसको रिड्यूस करेंगे इस रूप में। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए उसका तरीका क्या है, हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे f(y) = z, कुछ भी हम मान लेंगे और फिर इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा, f(y) ddx(y) = यहां से मिलेगा ddx(z), ठीक है। यहां पे हम ये मिल जाएगा और इसको अगर समीकरण नंबर हम एक मान लेते हैं तो समीकरण नंबर एक से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए इसके स्थान पर हम लिखेंगे ddx(z) और प्लस p f(y) को हमने मान लिया z, बराबर क्या हो गया, ये हो गया q। देख लीजिए ये जो है इस रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया है। बस आप देखिए जहां पे y है वहां पे क्या बन गया, z। ये क्या बन गया, लीनियर। तो लिख देंगे which is linear। आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल देखते हैं। यहां पे देखिए एक सवाल आपके सामने है, देखिए आप यहां पर x है यहाँ पर और dx(y) है, यहाँ पे भी ये देखिए x का फलन है, यहाँ भी x है, मतलब ये p और q आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर y ना होकर y का फलन है और अगर आप ध्यान देंगे तो ये y का जो फलन है इसी का यहाँ पर क्या विद्यमान है, इसी का अवकलन यहाँ पर विद्यमान है। तो हमें ये रूप पहचानना पहली बात आना चाहिए और जब हम पहचान लेंगे तो हम तुलना हम किससे कर सकते हैं, f(y) ddx(y) + स्थान पे p, ये हो गया f(y) और बराबर q। देखिए यहाँ पे ये y का फलन है और इसी का यहाँ पे अवकलज विद्यमान है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, f(y) के स्थान पे 10y और f(y) के स्थान पे ये। आप चाहे यहाँ पे क्या करेंगे, पुट, आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 10y, इसका तरीका मैंने जो बताया अभी उसको अप्लाई करेंगे, 10y = z मानेंगे आप दोनों पक्षों में, हम कहेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे आप, एक्स करेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 10y का हो जाएगा sec²y ddx(y) = ddx(z). अब आप यहां से क्या करेंगे, sec²y ddx(y) के स्थान पे आप ये रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए समीकरण नंबर एक अगर हम इसको मान लें, इसको समीकरण नंबर एक मान लीजिए तो क्या मिलेगा, देखिए समीकरण नंबर एक से इसके स्थान पर ddx(z) + है ना 2x और इसको हमने क्या मान लिया है, z बराबर यहां पे क्या चल रहा है, x³। अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे, अब इसकी तुलना हम जो इसका जनरल फॉर्म है ddx(z) + pz = q जो कि लीनियर फॉर्म में है से करने पर जब आप तुलना करेंगे तो बताओ p का मान क्या मिलेगा। तो यहां से आप देखिए p का मान आपको मिलेगा 2x और q का मान आपको क्या मिलेगा, x³। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आएगा e^(pdx) और आपको यहां पर क्या करना है, p का मान पुट कर देना है 2x dx। तो यहां पर 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x²/2 समाकलन मिल जाएगा। तो यहां पे हमें if कितना मिल जाएगा, e^(x²। अब देखिए हम
आइए ज्ञात कर चुके हैं, अब हम आंसर निकालेंगे और इसका आंसर क्या आएगा, y इंटू आई एफ। देखिए इसके पहले क्या था, y था, अब यहां पर बताइए y के स्थान पे क्या आ गया, z, इसको क्या लिखेंगे, z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। z चलने दीजिए, आई एफ का मान e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, Q का मान यहां पे कितना है x क्यूब, और आई एफ का मान e की पावर x स्क्वायर, और यहां पर क्या चल रहा है डी एक्स। समझ में आ रही बात यहां तक। अब देखिए z का मान हमने माना क्या है 10y, तो आप यहां ले सकते हैं z के स्थान पर 10y e की पावर x स्क्वायर बराबर। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, x क्यूब को हम लिखेंगे x स्क्वायर इंटू x और e की पावर x स्क्वायर dx। अब हम यहां पे एक काम ही करेंगे, x स्क्वायर को हम t मानेंगे, तो यहां पे मान लेंगे, लेट माना x स्क्वायर इक्वल टू t, दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, 2x dx के स्थान पे यहां से क्या मिल जाएगा dt by 2, तो ये x है ये dx है, इसके स्थान पे dt by 2 और x स्क्वायर के स्थान पे t, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 10y e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद बराबर हो गया t इंटू e की पावर t और इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा dt by 2, तो 1 by 2 हम बाहर लिख दे रहे हैं, तो ये 1 by 2 यहां पर इसका समाकल आपको करना आना चाहिए, क्या जाएगा e की पावर t माइनस e की पावर t, ये इसका समाकल होता है, प्लस क्या लगेगा c, हमने पिछली क्लास में भी आपको इसका समाकलन करके बताया था, ये इधर क्या चल रहा है 10y इंटू e की पावर x स्क्वायर, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई बात समझ में, तो यहाँ आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए dd x of z, z by x log z बराबर z by x स्क्वायर इंटू log z का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम अगर इसको देखें तो हमारे दिमाग में जब तक जनरल फॉर्म नहीं होगा तब तक हम इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे, हमें मालूम होना चाहिए जनरल फॉर्म होता क्या है, तो जनरल फॉर्म आपके दिमाग में चलना चाहिए dx of y plus py is equal to, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास q होना चाहिए, हमें ये मालूम है कि p और q क्या होने चाहिए, x के फलन होने चाहिए, और y के स्थान पे यहाँ पर क्या है z, देखो यहाँ पे z चल रहा है और यहाँ पे भी z है, और z के साथ साथ यहाँ पे क्या है log z, मतलब z का फलन है, मतलब y का, अगर हम y होता तो y का फलन होता, ये जो z into log z का यहाँ पे होल स्क्वायर दिख रहा है ये चीज यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखें यहाँ पे q होता है ना सिर्फ, और q का मतलब क्या x का फलन, x का फलन एक ही दिख रहा है, बाकी जो हम कहेंगे ये z के रूप में है तो ये z और into log z का होल स्क्वायर ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में z log z की होल स्क्वायर से भाग करेंगे, तो यहाँ पे हम dx of z और इसका पूरा का बटा z ln z का होल स्क्वायर प्लस z ln z बटे x भागे z ln z का होल स्क्वायर बराबर z ln z का होल स्क्वायर बटे x स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक जेड यहाँ कैंसिल और log z एक log z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो लिख रहे 1 अपॉन z ln z का होल स्क्वायर dd x ऑफ z और प्लस यहाँ पे देखिए z से z कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1 by x into 1 अपॉन log z is equal to, यहाँ पे हमने भाग किया ना, यहाँ पे भाग करेंगे x स्क्वायर किसका भाग कर रहे हैं z into ln z का होल स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, भाई सब में भाग करना है, भाग करेंगे तो कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या 1 अपॉन x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्लियर यहाँ देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए dx of z और यहाँ देखिए 1 अपॉन log z और यहाँ पे ये p है, तो इसकी तुलना हम कर सकते हैं, ये p है ये q है और ये y, ये पे z का फलन है और इसी का यहाँ पर ही अवकलज विद्यमान है, यहाँ पे आप देखिए इसी का यहाँ पे क्या विद्यमान है अवकलज, हमने यहां तक कर लिया, तो हमने पुट किया 1 अपॉन log z को t के बराबर, तो log z हम 1 अपॉन log z को क्या लिखेंगे log z की का पावर -1 इज इक्वल टू t, तो यहां से देखिए दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको अवकलन इसका करके दिखा दे रहा हूं,
जब आप इसका बोलेंगे क्या लिखा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ लॉग लॉग जेड की पावर माइनस वन, तो ये आप ये संयुक्त फलन है और आप इसको लिख सकते हैं डी डी लॉग जेड ऑफ लॉग जेड की पावर माइनस वन इंटू, फिर देखिए क्या लिख रहा हूं, डी डी लॉग जेड ऑफ जेड इंटू डी जेड डी डी एक्स ऑफ जेड। तो यहां पे आप देखें हमने इसको इस रूप में लिख दिया, आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं ये डी जेड डी जेड कैंसिल हो जाएगा और ये डी लॉग जेड कैंसिल हो जाएगा, तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है अगर आप ध्यान से। अब यहां पे आप देखिए अब इसका हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हमारे पास लिखा होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो क्या आंसर देते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन, बताओ अगर एक्स के स्थान पर अगर हम लिख दें लॉग जेड तो क्या बन जाएगा डी लॉग जेड की पावर एन, एन के स्थान पर माइनस वन लेंगे, बताइए सिमिलर हो रही बात, तो बताओ एक्स के स्थान पर बस क्या आ गया लॉग जेड, तो एन लिखेंगे एन का मान कितना है माइनस वन, एक्स लिखेंगे एक्स के स्थान पर क्या है लॉग जेड की पावर एन माइनस वन, तो एन का मान माइनस वन इंटू माइनस वन। इसका जो अवकलन होगा वो क्या मिलेगा हमें, थोड़ा सा अवकलन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस एन लॉग जेड की पावर माइनस टू इंटू, यहाँ पे क्या लिखा होगा डी जेड ऑफ लॉग जेड, तो इसका क्या आंसर आएगा भाई अगर यहाँ एक्स है यहाँ एक्स होता तो क्या इसका आंसर आता है वन अपॉन एक्स, क्योंकि आपको मालूम है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का आंसर है वन अपॉन एक्स आता है, लेकिन यहाँ एक्स के स्थान पे जेड है तो क्या आएगा वन अपॉन जेड, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको डी डी एक्स ऑफ जेड, तो यहाँ पे देखिए इसका ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। संयुक्त फलनों में ऐसा संयुक्त फलनों का अवकलन हम इस प्रकार करते हैं। तो अब देखिए हमें रिजल्ट मिल चुका है, अब हम समझा दे रहे हैं, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो इसके स्थान पर इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हमें ये मिलेगा, तो क्या लिख रहे हैं माइनस एन लॉग जेड की पावर माइनस टू और इंटू वन अपॉन जेड और डी डी एक्स ऑफ जेड, और फिर देखिए इज इक्वल टू यहां पे टी का करेंगे तो क्या है डी डी एक्स ऑफ टी। अब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पे एन का मान कितना है भाई, एन का मान माइनस वन होता है ना, तो यहां माइनस वन कर लीजिए तो क्या मिलेगा भाई यहां पर ये इसका माइनस वन और बटे में ये हो जाएगा लॉग जेड की पावर माइनस टू इंटू वन अपॉन जेड और ये आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ जेड इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। तो आप यहां देखिए इस यहां पे पावर माइनस है तो यहां पावर प्लस हो जाएगी, करेक्ट लीजिएगा। हाँ यहां पे आप देखिए डी डी एक्स ऑफ टी, तो यहां पे ये किसके इक्वल होगा इतने के इक्वल होगा, तो अगर आप माइनस से गुणा करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पे आप देखिए आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ टी और फिर आप इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। इसके स्थान पर देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे माइनस डी डी एक्स ऑफ टी और माइनस में और प्लस वन अपॉन एक्स चली रहा है और वन अपॉन लॉग जेड को हमने क्या माना है टी, तो ये हो जाएगा टी और इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर हम माइनस से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा डी डी एक्स ऑफ टी माइनस टी बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब अगर यहाँ वाई होता तो हम कहते हैं लीनियर फॉर्म है, तो बस वाई के स्थान पर क्या है टी है, तो यहाँ से आप गुणा करके पी का मान निकालेंगे तो मिलेगा वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और क्यू का मान आपको मिलेगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो इसकी तुलना इसके जनरल फॉर्म से आप करेंगे तो बस आप क्या निकाला होगा आई एफ, तो आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो यहां से ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, यहां से ई की पावर माइनस वन ले लीजिए और लॉग एक्स वन अपॉन एक्स तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब ये पावर आप जो माइनस में है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस वन, तो यहाँ बेस की कैंसिल तो आएगा एक्स की पावर माइनस वन, ये आएगा वन अपॉन एक्स, तो आपको आई एफ कितना मिल जाएगा वन अपॉन एक्स। अब रिजल्ट आप जानते हैं क्या जानते हैं वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, लेकिन बताओ ये वाई कब होता है जब यहाँ वाई होता है यहाँ वाई होता तब हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन वाई के स्थान पर यहाँ टी दिख रहा है तो हम यहाँ वाई घटा कर यहाँ क्या लिख देंगे टी लिख देंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा टी इंटू आई एफ का मान वन अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू का मान, क्यू का मान कितना आएगा क्यू का मान आप लिख देंगे यहाँ पे यहाँ से माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर
इनटू आईएफ का मान 1/x dx। तो यहां तक हमने कर लिया, देखो यहां पर इसके आगे हम ये सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, t इनटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको आप क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/x क्यूब dx। अब हम इसका समाकलन कर देंगे, तो यहां पे माइनस, इसको -3 dx, और यहां क्या चल रहा है, t इनटू 1/x। t का मान आप बदल दीजिए, t का मान हमने क्या माना था इसके पहले आप ध्यान दीजिएगा, तो 1/ अगर आप देखेंगे तो 1/ log z को मैंने क्या माना था, t माना था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसके पहले हमने वो पार्ट मिटा दिया है, तो t के स्थान पे आप लिख दीजिएगा 1/ log z into 1/x equal to minus, इसका क्या रिजल्ट आएगा, x की पावर -3+1/-3+1, और ये हो जाएगा +3। तो यहां से आपको मिलेगा 1/x log z is equal to minus x की पावर कितना हो जाएगा, -2/-2+3, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, और ये लिख सकते हैं आप इसको 1/x स्क्वायर प्लस 3, और इधर क्या चल रहा है, 1/x log z, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो हमने आपको ये एक होमवर्क दिया हुआ है, ये आपको खुद करना है, ध्यान दीजिए आपको कोई भी सवाल अगर आप करें तो एक बार फिर से आपका रिवीजन करा दे रहा हूं, कोई भी सवाल करें तो वो सवाल इस रूप में होना चाहिए, वो सवाल इस रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में भी बनता है तो यहाँ पे y का अवकल गुणांक आता है, कभी भी यहाँ पे x का फलन नहीं आएगा, तो x का जो फलन होगा वो यहाँ पे या यहाँ पे आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको हिंट बता दे रहा हूँ कि आप इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, और जो बराबर की साइड में बात करें तो यहाँ पे y नहीं होना चाहिए, y का फलन नहीं होना चाहिए, उसको आप हटाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे इस रूप में आप बना लेंगे, और फिर इसको आपको t मानना है या कुछ आप मानेंगे, z मानेंगे, उसी अनुसार आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करेंगे, तो आपको ये लेक्चर समझ में जरूर आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।